पहले लगता था कि यार कैमरा है, ठीक है कैमरे से फ़ोटो क्लिक होती है, वीडियो वगैरह बनती है, फिल्म बनती है, पर इसके पीछे इतना सारी मतलब अलग ही इसकी दुनिया है, इसके पीछे इतना सारा काम है, लोग ऐसे ही जॉब्स के पीछे पागल हैं, मतलब इतनी ये फील्ड ऐसे फ्री सी लग रही है कि लोगों को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था इससे पहले कि इसके पीछे इतना काम हो सकता है। अब जैसे कैमरे का, अगर मेरे को कैमरे के बारे में आग भी गया ना, तो किसी भी फील्ड में जा सकती हूँ, मेरे को खुद का करना है, कोई चैनल क्रिएट करना है, या फिर मैं मतलब किसी के लिए काम कर रही हूँ, या कुछ भी, इसमें बहुत सारी फील्ड खाली पड़ी हैं, बहुत सारी शीट्स खाली हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। मैं कुछ अलग ही करना चाहती थी स्टार्टिंग से, जैसे कि डांस, एक्टिंग, और अब ये आ गया ना वीडियो डॉक्यूमेंट्री, मेरे को ये लगा कि हाँ मेरे को करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो सपना रह गया था ना वो मैं पूरा कर सकती हूँ, मेरे को इसमें आना चाहिए, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं चाहती ही शुरू से ये करना थी। जो अभी हमने फिल्म मेकिंग कोर्स किया है, इसके बाद मेरे को ये लगता है कि मैं इसमें करियर चूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि मेरे को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना पसंद है। फोटोग्राफी में हम लोग जैसे नेचर वगैरह होता है, इसकी फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, उससे भी हम मतलब कि कमाई हो सकती है, हमारा खर्चा भी चल सकता है। और वीडियोग्राफी में हम सोसाइटी वगैरह को भी दिखा सकते हैं, खुद को भी दिखा सकते हैं, ब्लॉग्स वगैरह कर सकते हैं, ताकि लोग हमें देखें और हमारे बारे में जान सकें और हम भी लोग बारे में जान सकें। जो ये 3 महीने का कोर्स था, इसमें मेरा बेस्ट पार्ट था जब हमने फिल्म मेकिंग की, शूटिंग की, सब साथ थे, हंस रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था, शूट भी कर रहे थे। अगर मैं बेस्ट पार्ट के बारे में बात करूँ तो वो तो सबसे स्टार्टिंग का था, आइडिया फेसेस, जैसे स्टोरी फेसेस सर ने शुरू किया था कि सब सबके सब अलग अलग आइडिया दे रहे थे, ओब्वियसली मैं भी दे रही थी, तो उसमें जो है सर है पीछे से बोल रहे अभी तो बहुत स्ट्रोक पड़ा है, अभी तो बहुत स्ट्रोक पड़ा है, तो ये सबसे अच्छा मोमेंट था। शूट गुरु क्लासेस लगने से पहले हम सिर्फ फ़ोन से शूट करते थे, तो हमें इतना पता नहीं था कि पोर्ट्रेट क्या होती है, सिल्वेंट वीडियो किस चीज़ का नाम, कुछ नहीं पता था, और ग्रिड लाइंस ये सारी पता नहीं को क्या क्या चीज़ें थी, हमें फर्स्ट टाइम ये सब सीखने को मिला तब शूट गुरु क्लासेस लगी, एंड हमने बहुत कुछ सीखा इससे, बहुत अच्छा किया हमने सब ने, लेकिन अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। शूट गुरु की सबसे फर्स्ट क्लास थी तो मैंने वो मिस कर दी थी, लेकिन सेकंड क्लास में सर ने बोला था कि सबको एक एक वीडियो शूट करके लानी है, तो उस वीडियो में सबसे अच्छी मेरी थी, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन गया था कि शूट गुरु क्लासेस का, कि सबसे अच्छी वीडियो मेरी थी, और उसके लिए सर ने मुझे रिवॉर्ड्स भी दिए थे, चॉकलेट दी थी। हाँ, मैंने इस 3 महीने में सर से बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, मतलब उनका जो सिखाने का तरीका बिल्कुल लाइटली, जैसे मानो उनको पहले से ही जानते हो, हम इतने प्यार से सिखाते हैं ताकि सारी चीज़ मतलब इतने प्यार से बताते हैं कि हम आराम से कंफर्टेबल होकर उनके साथ सीख सके, बहुत लाइटली बहुत प्यार से सिखाते हैं वो। मैंने कुछ पिछले 3 से 4 महीनों में सीखा है, वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ जो मेरे को करना है, जो मैं प्रस्यू करना चाहता हूँ, जो मेरा ड्रीम है कि मैं मान लो गेमिंग करनी है, गेमिंग के लिए भी मेरे को एटलीस्ट नॉलेज होने चाहिए कि मैं किस कैमरा या लाइटनिंग के उससे अच्छी वीडियो में निकाल पाऊँगा। अगर लाइटनिंग नहीं है अच्छी तो कैमरा चाहे कितना भी अच्छा हो, ठीक है, आपको वीडियो अच्छी नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ मैंने सीखी कि लाइटनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है वीडियो के लिए। मैं डीए और डीबी शंकर को थैंक यू करना चाहती हूँ, जो उनकी तरफ से जो टीम आई क्षितिज सर की, उनके बारे में भी, और जो उन्होंने हमें सिखाया कैमराज वगैरह के बारे में भी, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया, उन्हें बहुत कुछ सीखा, कैमराज वीडियोस बनाना फ़ोन से भी और कैमराज से भी, तो मैं उनको भी थैंक यू करना चाहती हूँ।